आप देख सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है और आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है। तो इस सर्दी में इसे ज़रूर बनाएं। हेलो दोस्तों, कुकिंग विद स्वरलता में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे सर्दियों में काफ़ी पसंद किया जाता है और इसे बनाना काफ़ी सरल है। तो चलिए फिर हम बनाते हैं तिल गुड़ की चिक्की। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तिल गुड़ की चिक्की बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल तिल, एक ही बाउल हमने यहाँ पर गुड़ लिया है और थोड़ा सा यहाँ घी लिया है। सबसे पहले हम गैस पर एक पैन रखेंगे और पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें हम तिल को डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। और इसकी फ्लेम आप मीडियम रखें, इसे हाई फ्लेम पे ना सेकें, नहीं तो तिल हमारी जलने लगेगी और इसका स्वाद बिगड़ जाएगा। तिल को सेकना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि तिल के अंदर जो नमी होती है वो सेकने से ख़त्म हो जाती है और हमारी तिल चिक्की बहुत अच्छी बनती है। आप सुन सकते हैं कि तिल में से अच्छी सी आवाज़ आने लगी है और हमारे तिल का कलर भी चेंज हो गया है। तो ये सिककर तैयार है, तो इसे हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी पैन में हम गुड़ को डाल देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। आप देख सकते हैं कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाना है। हमें गुड़ को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाना है। यदि आप इसकी हाई फ्लेम कर देंगे तो गुड़ जल जाएगा और इसकी चिक्की का स्वाद बिगड़ जाएगा। तो आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएं। आप देख सकते हैं कि गुड़ का कलर चेंज होने लगा है और ये पकने लगा है। तो अब इसे चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और इसमें हल्का सा हमने नॉर्मल वाटर ले लिया है। अब इसमें हम गुड़ की चाशनी की 2-3 ड्रॉप इसमें डाल देंगे और इसे हाथ से चेक करके देखेंगे कहीं ये बिखर तो नहीं रही। देखिए ये बिल्कुल टाइट है और बिल्कुल क्रिस्पी है, तो ये हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसी समय हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हम घी इसीलिए डाल रहे हैं जिससे कि हमारी चिक्की में एक अच्छी शाइनिंग आ जाएगी। अब इसी समय पर हम इसमें तिल डाल देंगे जो कि हमने भून कर रखे हुए थे और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए हमने तिल और गुड़ को अच्छे से मिला लिया है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब जिस पर हमें चिक्की बनानी है उस पर आप थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लें। मैंने किचन स्लैब पर पहले से ही ऑयल लगा के रखा था। अब इस पर हम इसे फैला देते हैं क्योंकि ये काम हमें फटाफट करना होता है, नहीं तो हमारा गुड़ जमने लगेगा। इसे आप हाथ ना लगाएं क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। इसे 1 मिनट के लिए आप छोड़ दें। बेलने से पहले इसमें हम थोड़ी सी रोस्टेड तिल डाल देंगे जो कि मैंने पहले बचा के रख ली थी। इसको डालने से ये काफ़ी सुंदर लगेगी। मैंने यहाँ बेलन पर भी घी लगा लिया है और इसे हम बेल लेंगे। आप चिक्की को मोटा या पतला जैसा भी रखना चाहते हो उस तरीके से आप इसे बेल लें। मैंने इसको बेलकर तैयार कर लिया है। अब इस पर हम निशान लगा लेंगे। चलिए इसे अब काट लेते हैं। तो मैंने इसे काटने के लिए पीजा कटर लिया है। आप चाहे तो नाइफ भी ले सकते हैं और अपने मन चाहे आकार में इसे काट सकते हैं। देखिए मैंने इसे चौकोर शेप में काट लिया है। अब 10 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगी। 10 मिनट हो गए हैं और तिल गुड़ चिक्की सेट हो गई है। इसके पीसेस भी आराम से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है और आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है। तो इस सर्दी में इसे ज़रूर बनाएं। गुड़ तिल चिक्की को बनाने के लिए कुछ टिप्स हैं, यदि उन्हें फॉलो करेंगे तो आपकी गुड़ चिक्की बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। जब भी आप गुड़ को पकाएं तो गुड़ को आप ओवर कुक ना करें, नहीं तो चिक्की हमारी हार्ड बनेगी। इसकी सारी प्रोसेस आप मीडियम फ्लेम पे करें। जब चिक्की का बैटर तैयार हो जाए तो इसे गरम गरम में फैला दें आप और इस पर कट के निशान लगा दें। इन सभी टिप्स को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपकी चिक्की बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी।
इसे आप एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करें और जब भी आपका मन करे तो आप इसे खा सकते हैं। तो इसे आप सर्दियों में जरूर बनाएं और मुझे कमेंट के द्वारा बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर प्रेस करें।